वेलकम बैक गाइस, आई एम विक्रांत और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विक्रांत ट्रिक में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बताएंगे हम एटीट्यूड रील्स के बारे में। ज़्यादातर मेरे वीडियो इसी रील्स के ऊपर आते हैं, लेकिन बहुत बार एक ही मिस्टेक बार बार करें कि एक्सएमएल फाइल को इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहे, तो उसका वीडियो भी मैं आज इसी के अंदर बता दूंगा आपको एक्सएमएल फाइल कैसे इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रील्स दिखाता हूँ ट्यूटोरियल के थ्रू। इस टाइप की गाइस मैं रील्स बना रहा हूँ आज इसकी वीडियो में, तो आप ध्यान से इस रील्स को देखिए। पहले ये वाले गाइस आप रील देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड चल रही है, और बाज के लुक में तो गाइस एक नंबर चल रही है यार। तो गाइस आज के वीडियो में एकदम इस रील्स को बनाएंगे, तो सर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले दो एप्लीकेशन पड़ेगी, पिक्सल लैब एंड एलाइट मोशन, जो कि आप इंस्टॉल करके बैठे होंगे। तो गाइस सिमसे सबसे पहले करेंगे पिक्सल लैब को ओपन, और गाइस को ओपन करने के बाद यहाँ कैंसिल के ऊपर टैप करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो हमने सारा जो सारी जिस सारी पर रील्स बनाने उस सारी को यहाँ पर लिख देंगे। तो गाइस मैं इसको लिख देता हूँ एंड डन कर देता हूँ। ऑन गाइस थोड़ा सा इसको क्या कर दूंगा, इसके साथ मैं साइज़ की एग्जस्ट एंड यहाँ से गए थोड़ी छोटी एंड इसको मैं कुछ बराबर लेवल से कर दूंगा इस टाइप से, ठीक है गाइस। थोड़ी अपने हिसाब से एग्जस्ट आप हिसाब से कर देना, जो भी करना आपको जितनी, ठीक है इस हिसाब से। और फिर चला जाऊँगा मैं इसको साइज कलर के अंदर ब्लैक कर दूंगा एंड फिर चला जाऊँगा फ्रंट के अंदर। फ्रंट के अंदर जाकर यहाँ गाइस मैं जाऊँगा फ्रंट के अंदर, और गाइस की जो फ्रंट की साइज़ वो मैं ये वाली कर दूंगा जो सबके नॉर्मली होती है। तो गाइस ब्लैक कलर पूरा नहीं हुआ हमारा, तो गाइस सिंपली जाएंगे फुल ब्लैक कर देंगे, ऐसे ब्लैक हो गया है। देन अब जाएंगे गाइस फाइल के अंदर एंड गाइस यहाँ से गाइस मैं आपको PNG का लोगो दूंगा, लिंक दूंगा जहाँ से आप PNG डाउनलोड कर सकते हो। बाद की में से बहुत सारे PNG के पहले मैंने ये वाला लेता तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है अभी। तो इसके ऊपर जाओगे, इसके ऊपर साइड पर क्लिक करोगे एंड यहाँ थोड़ा स्क्रॉल कर जाओगे तो यहीं पर आपको मिलेगा इरेज टू कलर के ऑप्शन में जाएगी गाइस जाओगे एंड इसका जो पूरा एरिया से वो कलर कर दोगे एकदम से, ठीक है। एंड गाइस इसको कुछ इस प्रकार से अपने हिसाब से एडजस्ट कर दोगे। थोड़ा सा मैं गाइस इसको थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को नीचे ले लेता हूँ, टेक्स्ट का लुक चलेगा इस टाइप कर देता हूँ। इसको गाइस थोड़ा बड़ा रखना है हमको, क्योंकि वीडियो में इसका ही लुक है तो ज़्यादा वायरल होने के चांसेस, इसके ये बाज की वजह से वायरल हो रहा है फिर। एंड इसको इस टाइप से करने के बाद सिंपली जाओगे यहाँ पे एंड टेक्स्ट टू बैनर को करो क्लियर एंड गाइस सेव ऑप्शन में जाओगे एंड यहाँ पे अल्ट्रा का ऑप्शन में सेव करोगे एंड देन कर दोगे इसको गाइस आप सेव। तो गाइस इसको सेव करने के बाद सिंपली से करोगे आप एलाइट मोशन को ऑप्शन को ऑन कर दोगे ऑन। गाइस एक गाइस जो मैंने फाइल का लिंक दिया है वो डायरेक्शन में दिया हुआ है, और किसी को प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा तो इंस्टाग्राम का मैं लिंक भी नया वाला दे रहा हूँ, पहले वाला आईडी मेरा बंद हो गया है इसलिए। तो गाइस पहले जब क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे एंड प्रोजेक्ट बना दोगे एक नया आप, फिर प्लस का आइकन टैप करोगे यहाँ पे जाओगे मीडिया में और जो अपने अपने PNG बनाई उस PNG का लोगो ले लोगे गाइस। देखो इस प्रकार से आ जाएगी अपने आप। तो अभी आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, यहाँ से एक फाइल दी उसको डाउनलोड करना है, उसका लिंक से डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल कैसे करना है वो भी बता दूंगा। यहाँ पे इंपैक्ट के ऊपर जाओगे सारे इंपैक्ट को है जो गाइस, रुको एक मिनट गाइस, यहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट री वाला आ गया, सॉरी गाइस गाइस जो मैंने इसका लिंक दिया उसके अंदर जाओगे आप और गाइस के टेक्स्ट को भी क्लिक करो, सारा जो इसका इंपैक्ट है वो आप यहाँ से कॉपी कर दोगे, ठीक है। इंपैक्ट कॉपी होने के बाद आप चले जाओगे जो भी आपने रिसेंटली प्रोजेक्ट ऐड किया है उसके अंदर, ये वाले के अंदर। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो आपका जो अपना पढ़ने के बाद गाइस आप सिंपली से क्या करोगे, इंपैक्ट के ऊपर जाओगे एंड सारे इंपैक्ट को यहाँ पे जो गाइस कॉपी कर दोगे। तो गाइस आपके सामने इस प्रकार से आपकी रील्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो गाइस इसको कर दोगे आप सेव एंड इंस्टाग्राम में गाइस मैं आपको इंपैक्ट का नाम बताने वाला हूँ जिस इंपैक्ट से गाइस ये बहुत ज़्यादा रील्स ट्रेंडिंग में हो रही है गाइस। तो गाइस मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है ऑलरेडी, तो भी मैं आपके लिए के बाद इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और गाइस इंस्टाग्राम में जो इंपैक्ट उसका नाम बताओ जैसे गाइस ये रील्स और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा HD और यूनिक दिख जाएगी। तो गाइस मैं सिंपली सेव कर देता हूँ एंड चले जाता हूँ भागते हुए अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर। तो गाइस इसको मैं गाइस जब स्टोरी में अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने रील्स के ऊपर भी इंपैक्ट ये वाला लगा सकते हो गाइस। इंपैक्ट का नाम है गाइस ये देख लो आप, ये वाला जिसका नाम है ब्रोकन TV। तो गाइस देख सकते हो आप अभी गाइस का लुक है वो देख सकते हो आप, एक नंबर लुक लगा। इससे गाइस ये वायरल होने के उसके 100% चांसेस बढ़ेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में कुछ नया और नया चाहिए तो भाई को कमेंट कीजिए, उस पर भी जल्दी वीडियो आएगी।